साथियों, आज हम बात करेंगे भाई आप लोगों से रिलेटेड। जी हाँ, हमारा मकसद है आप लोगों का बार बार हम मुद्दा उठाएं और कहीं ना कहीं हमारा ये वीडियो किसी के पास पहुंच जाए तो उनको समझ में आ जाए कि आपके साथ ऐसा ना करें। और सोशल मीडिया का काम भी यही होता है कि भाई अगर गलत हो रहा है उसको लोगों तक पहुंचाएं ताकि कहीं ना कहीं उसमें सुधार हो। आज हम बात करेंगे और उन लोगों के लिए भी रिक्वेस्ट करूंगा जो सरकार का समर्थन करते हैं, चाहे आप बीजेपी मान लो, आम आदमी पार्टी मान लो, और कोई भी XYZ कांग्रेस मान लो। हम बात करेंगे, बता दूं दुबई से, सऊदी अरबिया से 72 वर्कर्स, जी हाँ साथियों, प्रवासी जयपुर एयरपोर्ट पे उतरते हैं। सोमवार की बात है, 4 दिन से मैं बिजी था। पिछले वीडियो में भी बताया था कि भाई मैं बाहर था तो वीडियो नहीं बना पाया, 4 दिन बिजी हो गया था। मंडे की बात है, 72 वर्कर्स जयपुर एयरपोर्ट पर रात को उतरते हैं। जी हाँ, और ये लगभग रात को 3 बजे 72 आदमी रोडवेज में बैठ के सीकर पहुंच जाते हैं क्वारंटाइन सेंटर। आगे हम डिटेल से बताएंगे 3 मिनट में। आगे बढ़ने से पहले चाहूँगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो कर लें ताकि विदेश से रिलेटेड से इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलती रहे। 72 आदमी दुबई से, सऊदीया से रात को 3 बजे सीकर पहुँचते हैं 2 रोडवेजों में सवार होके। जी हाँ साथियों, उनको हमारे सीकर में एक सेवत बड़ी है, सीकर के आसपास ही वो सेवत गांव है, वो जानते हैं। वहाँ पे स्कूल है, बड़ी स्कूल, जैसे 10वीं 12वीं तक होते हैं तो 15-20 रूम मिल जाते हैं आराम से। उनमें उन्होंने वहाँ पे ले जाके डाल दिया। जी हाँ साथियों, उनके बाद में बता दूँ वहाँ पे डाल दिया, उनको एक बिस्कुट दिया गया, 5 का पैकेट आता है, आपको पता है 12-13 बिस्कुट आते हैं उसमें, पहले उसमें 15-16 आते थे, आजकल 12-13 आते हैं, महंगाई का ज़माना है। एक पानी की बोतल और एक बिस्कुट उनको दे दिया। उसके बाद 19 घंटे तक नहीं कोई खाना, नहीं कोई पीना, नहीं कोई जांच, कुछ भी नहीं हुआ। जी हाँ साथियों, और ये 19 घंटे बाद बता दूं दोपहर को 2 बजे इन लोगों को खाना दिया गया, भूख से बेहाल हो गए। एक विदेश से आदमी इंडिया पहुंचता है, 3 घंटे में इंसान को भूख लग जाती है, लेकिन 19 घंटे तक इन लोगों को भूखा रखा गया। जी हाँ साथियों, सिर्फ एक बिस्कुट और पानी के पेटे 19 घंटे उन्होंने भूख निकाली। आप लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, उनमें छोटे बच्चे भी थे और महिलाएं भी थी। खास बात यह, और देख लीजिए जी, छोटे बच्चे क्या 19 घंटे रह जाते हैं भूखे? जो बच्चा हर 2 घंटे में कुछ उसको खाने के लिए चाहिए, 19 घंटे से भूखे हैं, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है। जी हाँ साथियों, ये कोई दैनिक भास्कर इंटरनेशनल अखबार है भाई, उसकी न्यूज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। पुलिस ने पासपोर्ट जब्त कर लिए, पुलिस का तो टारगेट ये है, उनको तो आदेश दिया होता है पासपोर्ट जब्त कर लो ताकि कोई भाग ना पाए। उनको जितना जल्दी वो पासपोर्ट जब्त करने में रुचि दिखाते हैं उतना जल्दी उनको कोई सुविधाएं, खाना पानी, रहना, कोई मेडिकल जांच वगैरह, उनमें उनका इंटरेस्ट नहीं होता है। आगे बताया गया, लास्ट में उनको खाना दिया गया, खाने की क्वालिटी एकदम घटिया स्तर की। जी हाँ साथियों, घटिया स्तर की क्वालिटी थी। और मैं बताऊँ भाई, लॉकडाउन में जितना ये अधिकारियों ने पैसे कमाए हैं उतना जिंदगी में किसी ने नहीं कमाए। एक आदमी का सरकार बोलती है 2400-2500 रुपये के करीब पर डे खर्चा होता है। जी हाँ साथियों, आप लोग विदेश से आते हो, आपका कोटे में पता है कितना पैसा लिखा जाता है? 2400-2500 रुपये पर डे। और आप उम्मीद लगा सकते हैं कि आप एक 5-स्टार होटल में जाके खाना खाते हैं पूरे दिन में तो भी इतना बिल नहीं बनता। आसपास के सिकर के थे, खाना खराब था, तो लोगों ने अपने घर पे फोन कर करके खाना मंगवाया। जी हाँ साथियों, आपको पता है भाई, देखिए सरकारी सिस्टम है, पत्रकार जाके हाँ जी सर आपने मोबाइल लगा देते हैं, ऑफिसर के सामने क्वेश्चन कर लेते हैं, जी सर ये आपका आरोप लग रहा है, जी नहीं बिल्कुल बराबर इनको खाना दिया जा रहा है, पूरी सुविधाएं मिल रही हैं। ये होती हैं सरकारी अफसरों की जो रटे रटाए वर्ड होते हैं वो पत्रकारों को बता दिए जाते हैं। ये हैं हमारे SDM साहब राजपाल यादव, उनसे पूछा गया, सुविधाएं पूरी मिल रही हैं, खाना समय पे दिया जा रहा है, कोई इनको समस्या नहीं है, ये उनकी तरफ से बोल दिया गया है। यानी बेहतर लोग आप विदेश से, आप झूठे, एक इंसान जो आपके अधिकारी हैं उन्होंने एक बयान में आपका कैंसिल कर दिया, कुछ भी नहीं है, उनकी तरफ से सफाई दे दी गई है। यह साथियों सच्चाई मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। वीडियो बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो पहुँचाइए, सोशल मीडिया पर डाल दीजिए भाई। जब इनकी इनका पता लगेगा, इनके पत्ते खुलेंगे तो इनको भी समझ में अपने आप आ जाएगा। हमें गांधीवादी अपनाना है, लड़ाई झगड़े करने में तो भाई दिक्कत होती है। वीडियो बनाओ, सोशल मीडिया पे डालो, बस बेस्ट ऑप्शन यही है, क्योंकि वीडियो सच्चाई, इंसान झूठ बोल देता है, कैमरा झूठ नहीं बोलता, हमेशा ध्यान रखें। वीडियो बना के डाल दीजिए, कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा आपका, ताकि लोगों को भी पता लगे सच्चाई क्या होती है। बस ये वीडियो जानकारी देनी थी साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें ताकि विदेश से रिलेटेड से इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।